हेलो बच्चों, नमस्ते। पिछली कक्षा में आपने संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण क्या है, उसमें कितने प्रकार थे आदि बातों को आपने सीखा है। तो आज हम संज्ञा का नेक्स्ट जो पार्ट है या नेक्स्ट ग्रामर का जो पार्ट है वह है सर्वनाम। तो आज हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, उसमें कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, उदाहरण क्या है आदि विषयों को आज हम कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है। देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ क्या है? संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उस स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा के प्रयोग को रोकने के लिए, बार बार उसके प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, है ना बच्चों? देखिए, जैसे कि देखिए, हम लोग एक व्यक्ति को बहुत सारे काम दे सकते हैं लेकिन हर बार उसका नाम लेकर उसको नहीं पुकारते। कभी कभी कक्षा में बैठे पाठ करते रहते हैं, किसी को बुलाना हो तो सडनली उसका नाम नहीं आए तो ए तुम आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ यहाँ पर, उसे देखो, इसे देखो, हम लोग ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो यही सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ, वहाँ, वे, ये, उसका, इनका, उनका, मेरा, तुम्हारा, तेरा, तेरे लिए आदि सभी शब्द सर्वनाम के उदाहरण कहलाते हैं। तो हम नेक्स्ट आएंगे सर्वनाम के भेद कितने हैं। देखिए, तो सर्वनाम में हम छह अलग अलग प्रकारों को या भेदों को देखते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम के छह अलग अलग प्रकारों के नाम। तो इसमें सबसे पहला था कौन सा था? सबसे पहले आपने क्या देखा? आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना बच्चों? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, मतलब उत्तम पुरुष, बोलने वाले, सुनने वाले, मतलब यहाँ पर होते हैं मध्यम पुरुष, तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा है वह होता है अन्य पुरुष, तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक में हम तीन अलग अलग कर्ताओं को देखें, एक जो बोल रहा है, दूसरा जो बोलने वालों को सुन रहे हैं, तीसरा जो दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो तीन अलग अलग लोगों को हमने देखा, ऐसे तीन अलग अलग लोगों के बातों को प्रयोग करते वक्त जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन अलग अलग भेद होते हैं, वहां कौन कौन से हैं? देखिए, तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन में भी उसी बात को उन्होंने दोहरा है, बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जा रहा है या कुछ कह रहे हैं। तो ये हो गए पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के तीन अलग अलग प्रकार। नेक्स्ट हम आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करे या अपने लिए उसका प्रयोग करे उसे या वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में हमेशा जो बोल रहा है सिर्फ अपने लिए बोलता है, वह होता है उत्तम पुरुष। जैसे कि देखो, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें, मुझको आदि। तो यह हो गया उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, जिसमें आप देखेंगे जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है। अभी पहले में आपने देखा जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग होते हैं, दूसरे में जिसके लिए प्रयोग, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, पहले खुद के लिए, दूसरा दूसरों के लिए होता है, तो वे कहलाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, जैसे कि
तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपने, आपका आदि। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। पहले में खुद के लिए प्रयोग किया, दूसरे में दूसरों के लिए प्रयोग किया गया है, तीसरे में पहले और दूसरे को छोड़कर दूसरों के बारे में जो थर्ड पर्सन है उसके लिए प्रयोग करते हैं ना, वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला न तो अपने लिए या सुनने वाले के लिए प्रयुक्त न करके अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। न अपने लिए न दूसरों के लिए, उन दोनों को छोड़कर तीसरे व्यक्ति के लिए जो प्रयोग होते हैं शब्द, वहां कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण, वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने, उसे, उसके, उनमें, उन पर आदि। तो हम देखे कि तीन अलग अलग सर्वनामों के भागों को देखा, जिसमें थे पुरुषवाचक सर्वनाम के ही तीन अलग अलग प्रकार आपने देखा। आगे बढ़ेंगे, जो सर्वनाम का दूसरा प्रकार है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में क्या होता है, पर्टिकुलरली यही है, हम लोग बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं कि यही है वो करके, विश्वास के साथ जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम निश्चयवाचक बोलते हैं। देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पास और दूर का भी प्रयोग हुआ है और साथ में किस व्यक्ति की तरफ हम लोग दृढ़ता पूर्वक विश्वास के साथ संकेत करते हैं, दोनों का ही प्रयोग है, तो दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण, यह, ये, वह, वे, इसको, इनसे, उसके लिए, उस पर आदि शब्द। तो यहाँ हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में डेफिनेटली विश्वास के साथ किस तरफ हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, और वस्तु और व्यक्ति पास हो या दूर हो, दोनों को हम विश्वास पूर्वक अगर प्रयोग कर रहे हैं शब्द, तो वो शब्द कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज अपने सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण क्या थे, सर्वनाम में कितने प्रकार हैं, उनके नाम क्या है, उनमें से आपने पहला और दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल की है। तो आज के पाठ के आधार पर गृह कार्य के प्रश्न इस तरह से है। प्रश्न एक, सर्वनाम किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न दो, सर्वनाम में कितने प्रकार हैं, वह कौन कौन से है। प्रश्न तीन, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसमें कितने प्रकार हैं, वह कौन कौन से है। प्रश्न चार, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का अर्थ उदाहरण के साथ लिखिए। प्रश्न पांच, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, चार उदाहरण लिखिए। तो इन पांचों प्रश्नों का उत्तर सही लिखिए। उदाहरण लिखते समय पाठ में प्रयोग किए गए उदाहरण को छोड़कर बाकी अपने खुद के उदाहरण लिखिए। तो आज की कक्षा में इतना है, अगली कक्षा में बाकियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, धन्यवाद। इसको